हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अब से कुछ समय पहले गार्डनिंग बस फूलों तक ही सीमित थी। अधिकतर लोग जो है फूलों को ही लगा लिया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ लोग जो है अब सिर्फ फूलों के पौधे नहीं बल्कि बहुत सारे सजावटी पौधे और जो सब्जियों के पौधे हैं और फ्रूट प्लांट्स है इनको भी लगाने लगे हैं। और फ्रूट प्लांट स्पेशली जो कि जो है हमेशा रहने वाले पौधे होते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है। दोस्तों, जो फ्रूट प्लांट है वो आपके साथ हमेशा रहने वाले पौधे होते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। मौसम अगर खराब भी हो तो भी उसका कोई असर जो है फ्रूट प्लांट पर नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जब छोटे छोटे पौधों में फ्रूट्स आते हैं आपके छत के ऊपर तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो फूलों के गार्डनिंग तो आप करें ही करें, लेकिन साथ साथ कुछ जो फ्रूट प्लांट्स है वो ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं ताकि हमेशा आपका गार्डन जो है हरा भरा भी दिखाई दे और साथ ही साथ उसमें से आपको फ्रूट भी मिले। दोस्तों, जो फ्रूट प्लांट्स है बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं और अपने आसपास जो है अच्छी वैरायटी के फ्रूट प्लांट्स उनको नहीं मिलते या ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट्स जो है वो नहीं मिलते। तो दोस्तों, ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट जो होती हैं उसकी ऑनलाइन नर्सरी को आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और यहाँ से आप कोई भी पौधे जो है ग्राफ्टेड ले सकते हैं और उसको अपने घर के पॉट में लगा सकते हैं, अपने छत में लगा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जो है कोई भी फ्रूट प्लांट हो वो छोटे पॉट में ही लगाया जाता है और उसके बाद फिर जो है पॉट को फिर चेंज करना होता है 6 महीने या 1 साल के बाद, और धीरे धीरे 3-4 बार के बाद वो जो है फाइनल पॉट में आता है और किसी बड़े पॉट में उसको दिया जाता है। इससे जो है फ्रूट प्लांट में जो फ्रूट्स है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और उसके जो ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी अच्छे से होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को डर होता है कि अगर आपने नर्सरी वालों को पैसे भेज दिए और उन्होंने वहाँ से फ्रूट प्लांट नहीं भेजा तब क्या करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन आप लोग जो है मुझे जानते हैं, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल को, तो जिस नर्सरी का मैं वीडियो आज कर रहा हूँ या जितने भी फ्रूट प्लांट के नर्सरी हमारी बगिया चैनल में आपने अगर देखा है, तो मैं अब यही कहता हूं आप लोगों से कि आप कभी भी जो है नर्सरी वालों को पैसे मत दीजिए। मैंने सभी नर्सरी से बात कर ली है जो भी जो है इसमें शामिल है मेरे हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में, तो उनको केवल आपको प्लांट का ऑर्डर देना है और जो भी प्लांट के रेट्स होते हैं, जो उनका पहुंचने का चार्ज होता है वो आपको बता देंगे, बिल्कुल रिटर्न में आपको दे देंगे। तो वो जो पेमेंट है आपको उनको ना करके मुझे करना है ताकि आपका पैसा जो है सेफ रह सके। आपके पास जितने प्लांट वो भेजेंगे उन्हीं प्लांट के पैसे ही मैं उनको दूंगा, और अगर आपके पास प्लांट जो है कोई ख़राब पहुँचते हैं यानी कि टूटी हुई स्थिति में पहुँचते हैं या मरा हुआ पहुँचता है तो ऐसे प्लांट का पैसा जो है मैं रोक करके बाकी प्लांट का पैसा ही उनको दूंगा। और जितने प्लांट आपके पास ठीक ठाक तरीके से पहुंचेंगे तो उन्हीं प्लांट का पैसा ही उनको मैं दूंगा और बाकी का जो पैसा है वो आपको मैं रिटर्न करूंगा। तो ये अपनाना पड़ा रास्ता इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों पर आपको विश्वास ना हो या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धोखा करते हैं, पैसे लेने के बाद फोन रिसीव नहीं करते, तो इस वजह से ये रास्ता मुझे अपनाना पड़ा ताकि दोनों ही तरफ से पैसे की सेफ्टी रहे। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि जो है हम पैसे पहले नहीं देंगे, वहाँ से प्लांट भेजेंगे तभी आप पेमेंट करेंगे, लेकिन ऐसे में जो है उनकी तरफ से श्योरिटी नहीं होती वो प्लांट आपके पास भेज दे और बाय द वे कोई व्यक्ति ऐसा निकल गया जो प्लांट को रिसीव नहीं कर पाया, ले नहीं पाया, तो इससे जो है उनके प्लांट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। दोबारा जब तक उनके पास रिटर्न पहुंचता है तो फिर प्लांट बचने की स्थिति में नहीं रहता, इसलिए प्लांट में हमेशा जो है पैसे पहले लिए जाते हैं। तो बस पैसे उनके पास डायरेक्ट ना देकर के आप मेरे पास दे दें ताकि उस पैसे की सेफ्टी दोनों ओर से रहे, दोनों श्योर हो सके। तो इस तरीके से आप जो है इन पौधों को बड़ी आसानी से मंगा सकते हैं। जो मेरा फ़ोन नंबर है वो आप नर्सरी वाले से ही ले लीजिएगा, और फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, 9013225393 ये मेरा फ़ोन नंबर है और इसमें जो है आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। आप यूपीआई का सहारा लेकर के पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और
जो भी पौधे के बारे में जानकारी है वो आप सीधा सीधा नर्सरी वालों से ही पूछे, उसके संबंध में मुझसे कुछ भी ना पूछे तो ही बेटर होगा। तो जो रेट्स वगैरह है वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं रेट को जो है मेंशन नहीं कर रहा हूँ और नर्सरी वालों ने भी मेंशन नहीं किया है। हाँ, जो पौधे हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से छोटे छोटे पौधों में भी जो है किस तरीके के फल लग रहे हैं। तो उस तरह के जो भी पौधे हैं आप मंगा सकते हैं, और ना केवल इस वीडियो में दिखाए हुए पौधे बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उन पौधों को आप मंगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला प्लांट देख रहे हैं ये है थाई स्वीट आमड़ा, और बहुत ही छोटे पॉट से आप इसको लगा सकते हैं और इस तरह के जब में जो है फाइनली ये जो है 1.5-2 साल के बाद आ जाता है, उसके बाद इसमें बहुत सारे आमड़ा होने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरा प्लांट लेके के आया हूँ वो है ऑरेंज का, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और लगभग 2 साल से ही इसमें जो है फ्रूटिंग आ जाते हैं और बहुत अच्छे ये फ्रूटिंग जो है छोटे गमलों में भी कर देता है। शुरुआत में आप इसको 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और 6 महीने के बाद फिर जो है आप इसका पॉट चेंज करके 10 इंच में डाल सकते हैं, फिर 12 इंच, और उसके बाद आप जो है चाहे तो इसको ड्रम के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी गर्म इलाका है ऐसे इलाकों के लिए ये संतरा जो है काफी अच्छा रहता है। इसके बाद जो दोस्तों अगला फ्रूट प्लांट है बहुत ही सुंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये है मौसम्बी का, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी ये जो है ड्रम में ही लगे हुए हैं, और जो भी प्लांट यहाँ पर आप देख रहे हैं तो उम्र इसके ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, ऐसे ही जो है इन प्लांट की उम्र है और बहुत ही नॉर्मल केयर में ये प्लांट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑल टाइम कागजी लेमन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि पूरे साल भर लगभग नींबू जो है आते रहते हैं, एक बड़ा होता रहता है तो दूसरे छोटे छोटे आते रहते हैं, तो काफी फायदेमंद आपके किचन गार्डन के लिए ये भी होने वाला है, और छत पर जहाँ धूप का एरिया हो ऐसे जगह पर इसको आप लगा सकते हैं। अगला जो आप देख रहे हैं ये स्वीट स्टार फ्रूट है, और इस तरह के स्टार फ्रूट खट्टे में भी आते हैं लेकिन ये स्वीट वाला है, और इसका अचार भी आप चाहे तो बना सकते हैं और चाहे तो नॉर्मली आप कच्चा भी खा सकते हैं, और चटनी भी बना करके इसको खाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है दार्जिलिंग ऑरेंज, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छा फलता है और ये भी पॉट में बहुत अच्छे से हो सकता है। शुरुआत में आप इसको 10 या 12 इंच के पॉट में लगाएं, फिर 1 साल के बाद इसको आप जो है थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो कटहल जो है एक बहुत बड़ा फल होता है और आमतौर से मानते हैं कि ये केवल जमीन पर ही हो सकता है और लंबे टाइम में फल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी आप चाहे तो पॉट में लगा सकते हैं और बाद में थोड़ा सा बड़े पॉट में या ड्रम में लगा देंगे तो काफी अच्छी फ्रूटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है हरिमन 99 एप्पल सब जगह फेमस है और खास तौर से जो गर्म इलाके हैं उसमें ये बहुत अच्छे से हो जाता है, इनको बस 200 घंटे का जो ठंड है वो चाहिए होता है, बाकी पूरे क्षेत्र में जहाँ भी गर्मी है वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा थाई 7 ग्वावा आपको मिल जाएगा, और ग्वावा की केवल यही वेराइटी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे वेराइटी मिल जाएगी और इसमें आपको शुरुआत से ही पॉट में फ्रूट देखने को मिल जाएगी। 6 महीने के जो फ्रूट प्लांट होते हैं इस तरह के तो उसमें भी इसमें फल आने लगते हैं, लेकिन शुरुआत के जो फल है उसको आपको तोड़ देने चाहिए, अगर आप पहले साल फल को तोड़ देते हैं तो दूसरे साल में फलन जो है काफी अच्छी फिर होने लगती है। इसके अलावा ये जो आप ग्वावा का प्लांट देख रहे हैं ये है L49 ग्वावा, जो कि यूपी में और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा फेमस है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, जो खेतों में लगाते हैं किसान तो काफी ज्यादा वो इस प्लांट को पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इमली का प्लांट आपने देखा होगा, काफी बड़े बड़े होते हैं लेकिन ये भी जो है आपके पॉट में हो सकते हैं, ये है थाई स्वीट इमली,
और ये जो है मीठी इमली होती है बहुत ज्यादा, एक तो खट्टा जो होता है वो इमली अलग होती है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो चीकू या सेपोडिला जिसको कहते हैं, तो उसकी कई सारी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चीकू के प्लांट को अगर आप लगा देंगे तो पूरे साल भर इसमें आपको फ्रूटिंग नजर आएगी। इसके अलावा आम के हर एक वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये जो पौधा देख रहे हैं ये है किंग ऑफ चाकापात, तो इसके बहुत सारे प्लांट जिनके पास बिल्कुल तैयार मिल जाएंगे, बड़े छोटे हर तरह के पौधे मिल जाएंगे, तो आप इनको भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं और अपने पॉट में इनको लगा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल नए तरीके का फ्रूट आपको लग रहा होगा, दोस्तों इसका नाम है जाबुटी काबा, और इसके जो है तने पर ही सब जगह फल लगते हैं और बहुत ही बढ़िया देखने में होता है, तो इसको भी आप बड़े पॉट में या ड्रम में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फल इसमें आता है, चाहे तो आप इंटरनेट पर इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है मिराकल बेरी, और ये एक ऐसा फ्रूट होता है जिसको अगर आप खाएंगे तो खाने के बाद बाकी कुछ भी आप खाएंगे सब चीजों का स्वाद आपको मीठा ही लगेगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जेकापोन ऑरेंज, ये जापान की एक वैरायटी है, बहुत अच्छा फलन होता है, आप देख ही रहे हैं कि पॉट में किस तरह से फलन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो फ्रूट प्लांट है वो मैंने आपको दिखाए हैं जो कि उनके नर्सरी में ही हो रहे हैं, और इसके अलावा भी हर तरह के फ्रूट प्लांट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए अपने घर के पॉट में लगाने के लिए, चाहे आंगन में लगाने के लिए, या आप अगर बड़े स्तर पर बागवानी करना चाहते हैं या खेतों में लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए और प्लांट के रेट्स वगैरह उनसे पता कर लीजिए, वैरायटी पता कर लीजिए, और अपने एरिया का जो तापमान है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए, तो वो आपको उस हिसाब से पौधे सजेस्ट कर देंगे और आप उन पौधों को लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के जो फ्रूट प्लांट्स है वो भी आप अपने घर के टेरिस पर या किचन गार्डन में जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।